हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का व्लॉग है हमारा डाटकाली मंदिर। आज के व्लॉग में हम जाएंगे डाटकाली मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब भी हम कोई कार, स्कूटी, कुछ भी गाड़ी हम लेते हैं तो हम उसकी पूजा करवाने जाते हैं डाटकाली मंदिर में। वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो मेरी फैमिली में मेरी दी और भैया को मिली है। उनकी कंपनी से दी ने कार अचीव करी है और उसी कंपनी से उनके हस्बैंड ने, मतलब मेरे भैया जी ने, स्कूटी अचीव करी है। तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और उन्होंने गाड़ी की पूजा भी करवानी है और उन्होंने अपनी साइड से वहाँ भंडारा रखवाया है। तो हम जाएंगे डाटकाली मंदिर, वहाँ पे मतलब पूजा करवाना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, इसके मैं आपको आगे बताऊँगी ब्लॉग में, फिर बने रहिएगा ब्लॉग में। ये क्या है जो आपके हाथ में? वो बगू। क्यों पकड़ रखा आपने? क्यों? वो आपको काटा ना। अच्छा, क्या करते थे विशाल से? बिल्ली बनाती थी वीडियो, फोटो खींचते। अच्छा, मंदा अब पूरा एक साथ बोल। क्लिक करते, क्या करते हैं इससे? फोटो खींचते। गुड गर्ल। यानी मौसी को भी लाओ बोलना यहाँ पे बैठ। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो गया डाटकाली मंदिर का रास्ता। कम से कम यहाँ से 10 मिनट में हम डाटकाली पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। जब हम गढ़वाल जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है चारों ओर पहाड़ और बीच में इतनी सुंदर रोड। बट पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डर सा लगता था आने जाने में, ना बहुत ऐसा लगता था पूरा जंगल ही जंगल है, सेफ मतलब सेफ फीलिंग नहीं आती थी। बट आज के टाइमिंग में यहाँ पर काफ़ी रश है तो इतना मतलब डर वगैरह नहीं लगता है। जो ये डाटकाली मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 13 जून 1804 में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर एक इंजीनियर थे, उनका नाम था महेंद्र सुखबीर गुसैन। तो उनके सपनों में काली माता जी आती है और वो अपनी क्या जो उनकी प्रतिमा होती है, मतलब मूर्ति जो होती है, वो उनको दे जाती है। अभी आगे मैं आपको डाटकाली मंदिर के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी। ये हम पहुँचने वाले हैं 3-4 मिनट में। ये टनल है, यहाँ से ये वन वे है, इसलिए अभी हम लेफ़्ट साइड से जाएंगे और जब हम दर्शन करके आ जाएंगे तब हम टनल से होते हुए घर के लिए आएंगे। यहाँ पर भी एक मंदिर है, आई थिंक भद्रकाली का मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है। हेलो, मंगलसूत्र। हेलो गाइस, बाय बाय। दीपिका हेलो, जय बोल दो। दीपिका जय बोल दो। जय जय जय। चलो हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। यहाँ पर ही मेन मंदिर है, यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो बिल्कुल पर्दे वर्दे लगा के पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाना ना, जिसके मन्नत पूरी हो जाती है कोई जैसे भंडारा देता है और उसको पूजा करवानी होगी तभी हम वो पर्दे को साइड करके वो लोग पूजा कर सकते हैं, वरना वैसे अलाउड नहीं है जाना। मेन मंदिर जो डाटकाली की जो मूर्ति स्थापित करी है वो यहीं पर है। यहाँ
यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम परिक्रमा करेंगे मंदिर के। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एक इंजीनियर के सपने में माता जी आती है और अपनी प्रतिमा देती है, तब उन जो इंजीनियर होते हैं उनका नाम होता है महंत सुखबीर गुसैन। तो तभी जाके क्या बोलते हैं ये स्थापित हुआ था 13 जून 1804 में। और यहाँ पर एक दिव्य ज्योति जलती है जो कि 24 घंटे जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है और ये 1921 से मतलब लगातार जल रही है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो मुझे यहाँ आके अभी पता चली है। जय माँ डाट काली, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये हनुमान जी है यहाँ पे, हनुमान जी अब हमने दर्शन कर दिए हैं, अब हम जहाँ भंडारा हो रहा है वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा हम भी कुछ सेवा करेंगे भंडारे में। नारियल बलि का स्थान, यहाँ पे भैया ना 5 कन्याओं ढूंढ रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने बोला कि पहले 5 कन्याओं को प्रसाद देना है, उसके बाद ही भंडारे की स्टार्टिंग होगी। पर भैया को लड़कियाँ ही नहीं मिल रही है, इससे ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की। हमें यहाँ पे प्रसाद में ये चुन्नी मिली है, अगर हमें कुछ मांगना है या कुछ भी मन्नत हो हमारी तो हम उस चुन्नी को यहाँ पे बांध देते हैं, जब भी मन्नत पूरी हो जाती है तो चुन्नी को निकाल लेते हैं। चलते हैं जहाँ पर गाड़ी की पूजा हो रही है, कार और स्कूटी दोनों की, तो चलते हैं वहाँ पे। हाय दीदी, ये है दी की कार, यहाँ पे दीदी अपने बता। आई थिंक भैया कार में अभी चुन्नी वगैरह बांध रहे हैं, ये देखो ये है भैया जी, ये है उनके हस्बैंड। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे जेठ सासू और बहू का भरत मिलाप हो रहा है, देख सकते हो आप कितना प्यार है इनके चारों के अंदर। चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब करते हैं भंडारे का प्रारंभ, पहले हमने छोटे छोटे कन्याओं को खिला दिया और अब उसके बाद जैसे जैसे लोग आते रहेंगे हमें सेवा का मौका मिलता रहे। क्या खा रहे हो आप? दीदी मेरा रह गया है, मैं बड़ी कन्या हूँ। हाँ मैं भूख लग रही है। भूख लग रही है आपको? हाँ खा दिया आपने? हाँ जा लो हलवा खा लो। Thank you.
किसने यहाँ पे हमारे पापा श्री गांव से कली आए हैं पति देव है और ये हमारे भाई साहब है ये हमारे ये है कार अचीवर और ये है स्कूटी अचीवर जिसकी खुशी में आज हम भंडारा खा रहे हैं और इनको तो आप जानते ही हैं जैसे और ये हमारे छोटे भाई साहब और ये है हमारी मदर इन लॉ जो भंडारा खा के बैठे हुए है सागर इन्हें शाम को 500 रुपये दिहाड़ी मिलने वाली और एक बोतल जिसके चक्कर में ये बखूबी अपना योगदान दे ये है हमारे घर की दूसरी ब्लॉगर छोटी ब्लॉगर जिसे हम बोल सकते हैं आज का ब्लॉग दीपिशा बनाएगी देखो दीपिशा का ब्लॉग बोल अब इसे पता है कि मेरी मौसी की बस की नहीं है ब्लॉग बनाना इसलिए ये बेचारी कंटिन्यू होगी है देखो एंजॉय करो इसका ब्लॉग हाय पापा गुड गर्ल मम्मा को ही बोलो हाय मम पापा मम्मी हेलो हाँ पापा को कर हाँ मारना मत उसे हेलो दीपिशा क्या लेके आए आप चौकी कहाँ से लाई चौकी तो चलो गाइस अच्छे से भंडारा भी होगी अच्छे से अब चलते हैं घर की और यार बोल तो नानी को मुझे बोल दे दे यार क्या बोलना क्या बोलना अल्लाह दे दे यार तो नीचे कहाँ चले गए आप थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए मस्त रहिए बाय